और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेन का विध्वंसक अटैक हुआ है। यूक्रेन के हमले में रूस का वेपन डिपो तबाह हो गया। मकीफका में रूस का हथियारों का जखीरा नेस्तनाबूत हुआ है। तो यूक्रेनी हमले में रूस का वेपन डिपो किस तरह से तबाह हुआ, ये तस्वीर हम आपको दिखाए। रूसी हथियार यहां पर रखे गए थे, ये हथियारों का डिपो था और इस पर यूक्रेन ने हमला किया और ये डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। मकीफका में ही ये रूस का हथियारों का डिपो जो कि नेस्तनाबूत हो गया। और वहीं यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला हुआ है। एंटोनोवस्की में रूस की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई। नीपर नदी पर बने पुल के पास ये बड़ा हमला हुआ है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एंटोनोवस्की की है, जहां पर नीपर नदी पर ये जो पुल बना हुआ था इस पर रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, हवाई हमला किया गया। और कैसे इसके बाद इस पुल के पास बारूदी धुआं नजर आ रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के बिछाए माइन से यूक्रेनी बीएमपी किस तरह से तबाह हो गया, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। बीएमपी में सवार 7 यूक्रेनी जवान मारे गए हैं। बीएमपी के क्रू मेंबर भी धमाके में मारे गए। तो ये तस्वीर आपके सामने, वॉर जोन की लड़ाई, वॉर जोन में लगातार जो युद्ध है वो और भी भीषण होता है। ये देखिए तस्वीर, कैसे परखच्चे बीएमपी के उड़ गए और इसके अंदर बताया जा रहा है कि 7 यूक्रेनी जवान मौजूद थे।